मुंबई के थाने सेशन कोर्ट ने बीजेपी विधायक गणेश नाइक के खिलाफ दर्ज कथित रेप केस की सुनवाई करते हुए जमानत नामंजूर कर दिया। गणेश नाइक की ओर से आज जमानत याचिका दाखिल करते हुए अंतरिम जमानत की अपील की गई थी। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गणेश नाइक को आज थाने सेशन कोर्ट से बड़ी निराशा मिली। एक परिचित महिला द्वारा रेप केस दर्ज कराने के बाद आज गणेश नाइक की ओर से थाने सत्र न्यायालय में अंतरिम जमानत की अपील की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 27 अप्रैल को नई सुनवाई की तारीख दे दी। बताना जरूरी है कि कथित रेप केस में बीजेपी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। नई मुंबई पुलिस मामले में उनसे पूछताछ की तैयारी में है। असल में बीजेपी विधायक नवीनबई के एक दिग्गज नेता हैं, कई वर्षों तक मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनके खिलाफ FIR दर्ज होने से नवीनबई की राजनीति गर्मा गई है। गणेश नाइक के विरोधी दल लगातार हमलावर हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मानना है कि यह सब गणेश नाइक की राजनीतिक छवि खराब करने की बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।